व्हील स्पीड सेंसर भी ABS में से एक महत्वपूर्ण सेंसर है। यह सेंसर वाहन की व्हील स्पीड को मेजर करता है। ABS सिस्टम में कई व्हील स्पीड सेंसर होते हैं जो वाहन के हर व्हील्स की स्पीड को मेजर करता है। व्हील स्पीड सेंसर एक छोटा सा सेंसर होता है जो व्हील हब में लगा होता है। जब व्हील घूमता है तो सेंसर घूमते हुए व्हील की स्पीड को मापता है। इस जानकारी का उपयोग ABS सिस्टम में किया जाता है। ये किस तरह काम करता है? जब व्हील घूमता है तो ABS रिलेक्टर भी घूमता है और व्हील स्पीड सेंसर उसके ऊपर लगा होता है। ABS रिलेक्टर के घूमने पर व्हील स्पीड सेंसर उसकी स्पीड को मेजर करता है। ये सेंसर सेंस करने के बाद सिग्नल ABS कंट्रोल मॉड्यूल को सेंड करता है। अब ABS मॉड्यूल सिग्नल लेने के बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन से व्हील पर कितनी फोर्स के साथ ब्रेक लगानी है। फिर ABS मॉड्यूल कमांड देगा एक्सल मॉड्यूलेटर को कि भाई तू फ्रंट लेफ्ट साइड वाले व्हील पर ब्रेक लगानी है और साथ ही रियर राइट साइड वाले टायर पर भी रुक रुक कर ब्रेक लगानी है। तो एक्सल मॉड्यूलेटर कमांड लेने के बाद अगर वाहन में ब्रेक एयर सिस्टम है तो एक्सल मॉड्यूलेटर ABS मॉड्यूल के कमांड के अकॉर्डिंग एयर रिलीज करेगा और व्हील लॉक होने से बच जाएगा।